नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम की खास बातें। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम यात्रा की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कजान, रूस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका और भी मजबूत होगी। ब्रिक्स सम्मेलन का उद्देश्य इन देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही इस बार के एजेंडे में कई अहम मुद्दे शामिल हैं, जैसे कि वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर भारत के विकास और वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है। दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, और ऐसे में भारत का नेतृत्व वैश्विक मंच पर अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ब्रिक्स देशों के साथ संबंध मजबूत करना नहीं है, बल्कि विश्व की बड़ी चुनौतियों का समाधान ढूंढने में भारत के योग। दोस्तों, भारत की विदेश नीति में यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। देखते रहिए हमारे चैनल को, जहां हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही जानकारियों से। धन्यवाद।